टीम इंडिया से सीरीज हारने के बाद कप्तान केरोन पोलार्ड ने खोली अपनी जुबान, भारतीय खिलाड़ियों के बारे में कहा कुछ ऐसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम की धमाकेदार जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके भारतीय टीम को जरूर सपोर्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 1000 लाइक का। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, भारतीय टीम को जरूर सपोर्ट करें। तो दोस्तों, चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 315 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने 81 गेंदों में 85 रन और केएल राहुल ने 89 गेंदों में 70 रन की खूबसूरत पारी खेली और अपनी टीम को 8 गेंद बाकी रहते हुए 4 विकेट से जीत दिला दी। इस मैच में मिली जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इस श्रृंखला को भी 2-1 से अपने नाम कर लिया। इस मैच के दौरान धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली को इस मैच का मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि पूरी सीरीज के दौरान 258 रन बनाने वाले रोहित शर्मा को इस सीरीज के लिए मैन ऑफ द मैच सीरीज चुना गया। ऐसे में इस सीरीज के समाप्त होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान वेस्ट इंडीज के कप्तान केरोन पोलार्ड ने कहा, आइए जानते हैं। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने कहा, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि हमारे लिए यह एक ज्यादा कुछ दुखी की बात है। मैं अपने खिलाड़ियों पर गर्व करता हूँ। हमने आज गेंदबाजी करते हुए कुछ बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन भारतीय टीम ने एक बार फिर से कमाल का प्रदर्शन किया और उन्होंने दिखा दिया कि क्यों वह इस समय दुनिया की नंबर वन टीम है। हमारी टीम में ढेर सारे बेहतरीन प्रतिभा के खिलाड़ी हैं और हम सभी जानते हैं कि इन सभी खिलाड़ियों में क्या करने की क्षमता है, पोलार्ड ने आगे कहा। हेटमेयर ने कुछ पारियों में काफी अच्छी खेल दिखाया। निकोलस पूरन ने भी गेंद को अच्छी तरीके से हिट कर पा रहे हैं, जबकि होप निरंतर के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और सैल्यूट करने वाले सेंडन कॉटरेल को भी कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यही सभी खिलाड़ी भविष्य में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, जबकि मेरे लिए मैं अपनी टीम के लिए जितना भी हो सके उतना योगदान करने की कोशिश करता हूं और यह सीरीज दोनों ही टीमों के लिए काफी अच्छा रहा। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।